अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है फ्रेंड? सब ठीक ठाक हो? तो आज फिर कमेंट्स के ऊपर जवाब देने लगे हैं आपके। कमेंट्स काफ़ी इकट्ठे हुए हुए हैं इसके पास। चांद दो दिन हो गए मुझे कह रहा था कि कमेंट्स के ऊपर पापा कोई सवाल जवाब करें, तो मैंने कहा चलो जी कर लेंगे आज। आप सिर्फ आके यही कह रहे थे भाई चांद, प्लीज़ हमारे भी सवालों का जवाब लाजमी देना। पहले तो लोग सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपकी माँ को सब्र दे। यार आमीन, अल्लाह पाक मेरी माँ को सब्र दे। मैं इंडिया से हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को माफ़ कर दे। अल्लाह जी कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे अल्लाह ने चाहे तो। पहले तो हमें पहली बात ये है कि हमें उसका पता ही नहीं कि वो किधर है। आज पापा कितनी देर हो गई है? आज काफ़ी देर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल कोई दो हफ्ते, मतलब कि अब 16 दिन हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि वो किधर है और किधर नहीं। अल्लाह अल्लाह को माफ़ करने वाला पसंद है, आप भी बेटी को माफ़ कर दें। बिल्कुल जी, अल्लाह को पसंद करने, अल्लाह माफ़ है। दुनिया को छोड़ो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उसे माफ़ कर दो। ज़्यादातर यार लोगों के यही मैसेज है कि आप लोग ना अपनी बेटी को माफ़ कर दो, और अंदर ये भी मैसेज है पापा के आप उसे माफ़ ना करो, उसे अपनी गलती का एहसास होने दो अभी कुछ देर। हाँ बिल्कुल जी, हो रहा होगा गलती का एहसास, ठीक है ना? तो जब गलती का एहसास हो जाएगा पापा, एक ये मैसेज है कि अंकल आपकी बेटी जो है वो घर की इज्जत है, और आपने अपनी इज्जत को कुछ लाइकों के लिए ऐसे नेट पे छोड़ दिया। नहीं मेरा भाई, इसलिए नहीं हमने किया, ठीक है ना? हमारी वैसे भी उसकी तो वैसे काफ़ी अच्छी चल रही है वीडियो, ये छोड़ने से कौन सी कोई लाखों करोड़ों रुपये पहुँच गई हैं, ठीक है ना? और इसमें मिलना भी क्या है? कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है ना? सिर्फ एक फेम ही अगर मिल रहा है। ये किसने छोड़ी, किस लिए थी? हमने सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि ये वीडियो उसके तक पहुंच सके, वो ये बातें सुन सके कि आप दोस्त फ्रेंड कमेंट्स क्या क्या कर रहे हो और हम किस किस कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि उसके तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना? क्यों बड़ी देर से रब्ता ही नहीं हुआ अभी तक तो? पापा ये भी कह रहे कि आप लोग खुद ढूंढ लो अपनी बेटी को। नहीं अब खुद क्या ढूंढ लो, ढूंढने का जमाना तो अब चले गए, अब तो ये पकड़ा है हाथ में, कोई बताए कि इधर है तो इससे ही पता चल जाएगा कि मैं इधर हूँ, तो पता लग जाएगा। ये इसका काम है, आप सिर्फ ढूंढने का क्या फायदा? ये कह रहे लोग भी पागल है जो आपको लाइक करते हैं। देखिए जी उनकी दिल की मर्जी क्या, ठीक है ना? उनकी चाहत है, हम उनसे क्या कह सकते हैं? हम कौन सा आज के भी लोग बना रहे हैं, जब 3 साल पहले का ये चैनल है, आप लोग बेशक जाके अबाउट के अंदर देख ले, 3 साल पहले का चैनल है, और 3 साल पहले की मैं व्लॉग शेयर कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ बाहर आना जाना घूमना फिरना। और अगर 3 साल में भी कोई इतना थोड़ा सा फेम ना मिले तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं इसको बनाने का, ठीक है ना? ये कौन सा फेम के लिए थोड़ी कार है। 2-4 दिन हुए इसको बनाते हुए, 3 साल हो गए बनाते। मम्मा 200 कमेंट आया कि बेटी को माफ कर दो, बेटी को माफ कर दो, अंकल आपकी बेटी है भाई, सुलह नहीं करना, बस माफ कर दो। इंशाल्लाह जी करेंगे, ठीक है ना? वो कहते हैं सुलह नहीं करनी, माफ कर दो। हाँ जी वो जी ठीक है, वो अल्लाह की रजा में बिल्कुल माफ है, वो जी अभी से माफ है, अल्लाह की रजा के लिए माफ। अरे ये मैंने अभी जो उनसा मामा के साथ व्लॉग बनाया था ना, और इस पे भी बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि यार आप अपनी माँ का दिल दुखाते हो, आपने ये शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसी वीडियो बनाई। पापा वो किस लिए हमने वीडियो बनाई थी? वो बस इसलिए कि थोड़ी सी हंसी खेल आ जाए, ठीक है? वो जो उनसे मामा के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आई थी ना थोड़ी सी, वो इसलिए सिर्फ वीडियो बनाई थी, और इसके अलावा कोई हमारा अंदर दखल अमल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मामा थोड़ी सी हमारी खुश हो जाइए। देखिए अभी भी मामा जो उनसे है ना ऐसे एक घर में 4 जने हैं, उदास से बैठे रहते हैं, तो किसी टाइम किसी को कोई शरारत सूझ जाती है तो वो हंसी के लिए कर लेते हैं। मामा जो है ना एक तरफ ऐसे बैठ के सोचती रहती है जैसे अभी आपके सामने बैठी हुई है, सोचती रहती है मामा। आगे आपके सामने रोजाना के प्रैंग होते थे, एक दो प्रैंग वीडियो लगाते रहते थे, अब तो कोई भी नहीं लग रही, बहुत मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, जबकि ना ठीक है ना, सिर्फ एक बंदा घर से गया उसके जाने की वजह से, सिर्फ जिसके साथ हमारे सबका प्यार था। ये देखे हमारा हनी भी उदास है, हनी भी ना बातें करता है, अब इसने भी खाना कम कर दिया, ये भी आवाजें देता है, हाँ जी ये बातें भी करता है मगर करता है मूड में अपने में, ठीक है ना? कलमा भी पढ़ता है, सुभान अल्लाह भी कहता है, सबके नाम भी लेता है। मामा वैसे जो सा हमने भी लोग बनाया था, आप हंसी थी कि नहीं उसके अंदर? पहले हंसी थी ना, पहले आप खुश हो गई थी ना कि आपकी बेटी आ गई है। पापा जो शहरिश थी उसकी जान किसके अंदर थी ये तो बताओ जरा। हाँ जी अकेली अकेली बहन थी दोनों भाइयों की, ठीक है ना?
और अकेली अकेली हमारी एक ही बेटी है इकलौती, ठीक है ना, दो भाई हैं, तो जारी बात है इन दोनों का आपस में बहन भाइयों के प्यार ही होता है, ठीक है ना। तो जबकि वो कही है ना, हमारे घर में अभी तक कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो जब होती थी हम बैठे बैठे ऐसे झगड़ पड़ते थे और आवाज वो हमारे घर के अंदर फैलती रहती थी, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम दोनों अपना लगे रहते हैं। ऐसा हो गया है, ठीक है ना, घर एक आवाज कोई ऊंची दे तो वो पूरे घर में खाली में गूंजती है आवाज ही। कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी, आपकी दुआएं हमारे साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप लोग यार वीडियो के अंदर गलत कमेंट 100 में से 99% का बिल्कुल सही जवाब होता है, मतलब के बिल्कुल सही बोलते हैं, और जो उनसे 1% है ना ये जो बकवास करते हैं, यार आप भी जरा थोड़ी सी ना, यार बकवास नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी के खिलाफ, ठीक है ना। हम जिस नबी की उम्मत है वो उन्होंने हमें इजाज़त ही नहीं दी इस चीज़ की कि हम गलत ऑप्शन किसी के ऊपर लगाएं, ठीक है ना। गलत भी है, गलत को भी सही कहो, ठीक है ना, अल्लाह आपकी रजा पे खुश होएगा, ठीक है ना। अगर गलत कमेंट्स दोगे तो उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका जो है ईमान ख़राब हो रहा है, अल्लाह देख रहा है जो कोई गलत किसी के लिए करेगा कमेंट्स। बहरहाल वो ये नहीं फिर जानता कि फिर वही अल्लाह मियां भी ऊपर बैठा है। पापा एक ये कमेंट आया कि आपके माँ बाप ने उसे पाला तो उसे एक मिनट ये नहीं एहसास हुआ कि वो एक मिनट में चले गई है। बस वो छोटी थी जी, ये कह सकते हैं कम अकल थी, ठीक है ना, अकल ने काम नहीं किया। दोनों ने नहीं सोचा, बस उन्होंने गुस्से में कहा बाजू पकड़ो तो जाओ, दोनों ने नहीं सोचा, पापा ने ऐसे बाजू पकड़ाए और वो चले गए। उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा कि ना माँ और ना बाप और ना भाई। तो चलो बड़ा था बाप था, गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा तो होता ही होता हूँ, ठीक है ना, मगर फिर थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाता है, मगर उसको फिर आया आगे से भी देखने वाला और करने वाला फौरन ही वो भी जज्बात में आ जाए, तो फिर ऐसे बस ये चक्कर हुआ है कि दोनों तरफ जज्बात के अंदर, पापा ने जज्बात के अंदर फैसला किया कि भैया अगर आपने जाना है शहर से तो जाओ, तो वो आगे से चले गए, वो आगे वाकई चले गए, उसने जाके दिखा दो मैं जाने लगी। काफी चिर पहले की बात है, कोई पिछले साल की बात है, मैंने चांद को गुस्से में कह दिया था चलो घर से निकल, वो भी गुस्से में आगे से निकल गया, निकल गया तो 2 घंटे बाद ही माँ को कॉल कर दी किसी राह जाते आदमी से फोन लेके कि मम्मा सॉरी माफ कर दो आ जाऊँ घर, आ गया कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। ऐसे बस निकल जाते हैं गुस्से में अल्फाज, तो माँ बाप ये तो नहीं कहते हैं कि मसलन निकल गए हो तो निकल जाओ, नहीं, थोड़ी देर का होता है गुस्सा, वो फिर बाद में ठंडा हो जाता है। चलो, और यार ये जो उनसे ये वाली वीडियो है ना, ये शहरिश की ये पहली वीडियो, पापा ये जो उनसे जिसके अंदर शहरिश के अंदर जीना आ गए थे, ये भाई तकरीबन उसको देखे आप व्लॉग में जाके, ये कितने साल पहले की अपलोड की हुई है, और अब कसम तो हम खा के बता नहीं सकते, वैसे ऐसे हुआ था ये वाकया, ठीक है ना, बिल्कुल हुआ था, सच हुआ था ये वाकया। अल्लाह पाक किसी की बहन बेटी माँ के साथ किसी के साथ भी ना करे, जो हुआ था वो हमने जब तकलीफ हमें हुई थी हमें पता है। आप अगर मजाक में बोलते हैं गलत अल्फाज उस पर बोलते हैं तो मैं कहता हूँ ना यार बोला करें, वो वाकई हुआ था, जेन्युइन बात है, अल्लाह ऊपर सोना जानता है कि जेन्युइन हुआ था, उस दिन ना किसी को ऐसे अल्लाह को पता है, उस दिन हमारे और हमारे अल्लाह को पता है, और कोई दूसरा तीसरा ये नहीं जान सकता, और हमारे रिश्तेदार जो उनसे उस टाइम हमारे साथ खड़े हुए थे। अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे हुए उसके आगे आए या उससे पता चले तो उस पर तो क़यामत आ जाएगी, जिस टाइम हमारे ऊपर वो वक़्त था, तो भाई अल्लाह पाक आपकी किसी भी बहन बेटी पे किसी पे भी ऐसा वक़्त कभी ना लाए, हमारी यही दुआ है बस आपसे। तो आज की वीडियो यहाँ तक की, आई होप आप सबको आई होगी पसंद, अगर तो यार पसंद आई है तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का रखे ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखे दुआ में याद, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।